आज हम फ्लाई कर रहे हैं इस एम्ब्रायर 175 में। अब आप जलंधर से दिल्ली पहुंच सकते हो मात्र एक घंटे में इस फ्लाइट में। ये आ गए हैं दोस्तों आदमपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में। एयरपोर्ट के जो एस्थेटिक्स है ना वो बहुत ही कमाल के हैं। एकदम देखिए आपको लग रहा होगा कि एकदम पंजाब का कल्चर है। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है CISF नहीं करती। इस एयरक्राफ्ट के जो विंगलेट्स है ना वो बहुत कमाल के हैं। ये है इसका बिजनेस क्लास जिसमें आपको 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे और कंफर्टेबल सीट्स लग रहे हैं देख के। यहाँ पे देखिए इकोनॉमी क्लास सीट्स भी कितने अच्छे हैं। एंड यहाँ पे वी आर फ्लाइंग ओवर कपूरथला। यहाँ पे मेनू में है फ्राइड राइस एंड पनीर मंचूरियन। यहाँ पे फाइनली सम ऑरेंज जूस। सो ये देख लो RRTS का स्टेशन। जो लोग भी श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा में जाना चाह रहे हैं आपके लिए फ्लाइट है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जलंधर। लास्ट वाले ब्लॉग में हमने हवियसन में एक नई चीज देखी थी, एक नया एयरक्राफ्ट देखा था विच वॉज दी हैविलैंड ट्विन ओटर फ्लाईबिग का, जो कि फिलहाल UP के कुछ नए एयरपोर्ट्स को अपनी सर्विस दे रहा है। स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक अविएशन स्पेशल ब्लॉग में, जिसमें हम फिर से एक नया एयरक्राफ्ट, एक नया एयरलाइन और दो नए एयरपोर्ट देखेंगे। बता दूं आपको जलंधर से दिल्ली के बीच में चालू हो चुकी है फ्लाइट सेवा। अब आप एक घंटे में जलंधर से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और जो नया एयरलाइन ये सर्विस दे रही है वो है स्टार एयर। फ्लाई करेंगे उनके बिजनेस क्लास में। बहुत ही अमेजिंग सा ये ब्लॉग होने वाला है। एंड आज हम फ्लाई करने वाले हैं फिर से एक नए एयरक्राफ्ट में, विच इज एम्ब्रायर 175। लगभग बहुत साल पहले जब स्टार एयर ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे तब मैं उनके एम्ब्रायर 145 में फ्लाई करके देखा था। तब मैं व्लॉग नहीं बनाता था, तब बस ऐसे ही जॉय राइड लेने के लिए निकल जाता था। तो वो एयरक्राफ्ट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है ना एम्ब्रायर 175, वो भी काफ़ी प्यारा है। मतलब ये क्या है, ये ना एक्चुअली मिड साइज़ का है। आप समझिए कि A320 भी नहीं है, ATR भी नहीं है, कुछ बीच के साइज़ का है। तो वो हम चल के आज देखेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा जलंधर का एकदम नया एयरपोर्ट। एंड ये जो फ्लाइट है ना ये दिल्ली के नहीं, एक्चुअली गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हिंडन एयरपोर्ट कैसा है एंड वहाँ से दिल्ली जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि बुकिंग का क्या प्रोसेस है, क्या फ्लाइट का फेयर है, कितना किलो बैगेज आप ले जा सकते हो। यहाँ से जो आदमपुर एयरपोर्ट है ना वो लगभग 26 किलोमीटर दूर है, तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि टैक्सी वगैरह करके जाऊँ। एंड जो लोकल बसेस हैं उनमें ये सूटकेस लेके मैं नहीं जाना चाह रहा, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ट्रेन लेने। अभी सुबह के बज रहे हैं 9, फ्लाइट है मेरी दोपहर के 1:30 बजे, तो मैं एक ट्रेन ले लूँगा जिसमें मैं खुर्दपुर स्टेशन पे उतर जाऊँगा। वहाँ से शायद एयरपोर्ट 5 किलोमीटर है, तो वो मैं कुछ ऑटो वोटो या कुछ और चीज़ देख लूँगा, बताऊँगा वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप सस्ते में आदमपुर एयरपोर्ट जाना चाह रहे हो। बट आई अज्यूम कि मैक्सिमम आप में से जो लोग फ्लाई करेंगे वो जलंधर के ही होंगे, तो आपके पास गाड़ियाँ वगैरह कुछ होंगी तो आप उसमें तो आराम से एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। अब मैं आया हूं बाहर से इसको कवर करने, इसलिए मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है। तो ये है जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन। मैं एक्चुअली कुछ ही टाइम पहले यहां पे पहुंचा हूं। एंड मेरी जो ट्रेन है ना लोकल ट्रेन होशियारपुर को जाने वाली, वो है सुबह 10 बजे। एंड इस टिकट का तो 30 रुपीज़ लगा, आगे देखते हैं ऑटो वाले कितना लेते हैं एयरपोर्ट तक। जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पे आज काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रहा है क्योंकि सामने इलेक्शन है, तो कोई हथियार या कुछ पैसे वैसे ना लाएं। मेरी ट्रेन को भी काफ़ी टाइम लुधियाना में रोका गया था चेकिंग के लिए, हर एक पैसेंजर का सामान चेक किया गया था ट्रेन में चढ़ के। यहाँ पे है अपनी ट्रेन जलंधर से होशियारपुर जाने वाली पैसेंजर। फाइनली हम जलंधर से निकल रहे हैं लगभग 50 मिनट्स लेट। फाइनली पंजाब का जो हरा भरा नज़ारा है वो देखते देखते, एल्गो की चगिंग सुनते सुनते पहुंच चुके हैं आदमपुर। यहाँ पे फाइनली आ गए हैं खुदपुर स्टेशन पे। कुछ ऐसा छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है। स्टेशन के बाहर ना हैच सच कुछ मिला नहीं। अच्छा वैसे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है ना ये लगभग 5-6 किलोमीटर है, तो अभी ई रिक्शा लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको नया टर्मिनल कैसा बना है। लगभग जो है 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये आ गए हैं दोस्तों आदमपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में। ये देख लीजिए नया टर्मिनल। वैसे ये देख लीजिए, ये है आदमपुर का नया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के जो एस्थेटिक्स है ना वो बहुत ही कमाल के हैं। मतलब बेसिकली छोटा टर्मिनल जहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, उस हिसाब से एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे है कुछ चेक इन काउंटर्स, दो जो है अभी स्टार एयर को दे रखा है।
एंड मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो कुछ पंजाब का हो सकता था उन्होंने करा है, जैसे गांव में बच्चे खेल रहे हैं या यहाँ का जो मकर संक्रांति जो पतंग वतंग उड़ाते हैं एकदम, देखिए आपको लग रहा होगा कि एकदम पंजाब का कल्चर है, बच्चे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं यहाँ पे, खास करके ये देख के तो आपको लग ही रहा होगा। सी ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगा मुझे। एंड एयरपोर्ट में घुसते ही आपको बैगेज पहले स्कैन करा लेना है। यहाँ पे ना वैसे जो फोटो वोटो है वो सब दे रखा है, जैसे पुराना एयरपोर्ट ना बहुत ही छोटा था, बस एक फ्लोर का था, छोटा सा था, उसमें बस स्पाइस जेट आता था। प्रोसेस बाई प्रोसेस समझाया है कि पहले क्या क्या हुआ, ये सब हुआ, फिर बाद में कुछ ऐसा बना। एंड ये है एयरपोर्ट का लेआउट। कैपेसिटी है इसकी 10 लाख पैसेंजर्स एनुअली। एरिया है 6,000 स्क्वायर मीटर। अब आप जलंधर से सीधा दिल्ली ही नहीं बल्कि नांदेड़ बैंगलोर भी डायरेक्टली जा सकते हैं। एक्चुअली दिल्ली से आपको ट्रांजिट मिल जाएगा, वही स्टार एयर का ट्रांजिट कार्ड आपको दे देंगे, आपको लगेज सीधा फिर अपने डेस्टिनेशन में मिल जाएगा। वैसे गाइस चेक इन इज डन। एंड हैंड बैगेज के लिए भी ना यहाँ पे एक क्यूट सा टैग है, कुछ ऐसा है स्टार एयर का बोर्डिंग पास, जो दिल्ली का स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 3,800 रुपीज़ प्लस शायद आपको कुछ कन्वीनियंस चार्ज या कुछ शायद लगे, बाकी जो आप डिस्काउंट निकाल पाओ वो आपके ऊपर है। बाकी नांदेड़ बैंगलोर का मुझे पता नहीं, बट 6,000-7,000 रुपये आई गेस होगा अगर आप डायरेक्टली बैंगलोर वगैरह जाना चाह रहे हैं बाई ट्रांजिटिंग इन हिंडन, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, चश्मा फिर जूते ये सब उतारने पड़े, अक्सर दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे ये सब नहीं उतारना पड़ता, बाकी सब सेम है, लैपटॉप चार्जर वो सब। और अलग से यहाँ पे हैंड बैगेज में टैग लगता है एंड बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी चेक का स्टैम्प लगता है, मे बी क्योंकि ये काफ़ी एक स्ट्रिक्ट डिफेंस एयरपोर्ट है इसलिए ये सब हो सकता है। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है CISF नहीं करती, यहाँ पे करती है पंजाब पुलिस। बहुत सारी और जगह जहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट से मैंने यही देखा है कि वहाँ के स्टेट पुलिस को दिया जाता है, जैसे हमारे दुर्गापुर का जो एयरपोर्ट है छोटा सा एयरपोर्ट है वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल पुलिस करती है। एंड बाकी सिमिलर तरह से अरुणाचल में आई गेस ITBP करती है या फिर जगह जगह के हिसाब से है। बाकी इस एयरपोर्ट पे ना वॉशरूम वगैरह बहुत बढ़िया बना है, खाने पीने के कोई दुकान नहीं है ये ध्यान रखना। मैं सोच रहा था कि एयरपोर्ट जाके कुछ खा लेंगे बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो प्लेन है वो गाजियाबाद से टेक ऑफ कर चुका है एंड जो दिल्ली से ऊपर तक का रूट है ना, भले वो जलंधर हो, भले वो अमृतसर श्रीनगर साइड हो या भले वो इस तरफ का ही हो, तो प्लेन जो है ना ऐसे सीधा नहीं जाती किसी वजह से, ये वाला रूट लेती है ऐसे करके ऐसे। एंड अपनी फ्लाइट जो है साइज में थोड़ी छोटी है बट इट इज़ फ्लाइंग एट 30,000 फीट एट अ स्पीड ऑफ 430 knots। बात करें यहाँ पे स्टार एयर की, इसके जो ओनर है संजय गोदावत सर, इट इज़ अ एयरलाइन बेस्ड आउट ऑफ बेंगलुरु। इनके पास फ्लीट में अभी टोटल 5 ERJ 145 है एंड 4 ERJ 175 है, जिसमें से हम आज जिसमें फ्लाई करने वाले हैं दैट इज़ नियर अबाउट 5 to 6 years old। एंड ये ना बेसिकली एक लो नॉइज एयरक्राफ्ट है, इसमें आपको इंजन साउंड वगैरह काफ़ी कम मिलेगा। एंड जो एम्ब्रायर कंपनी है वो है ब्राज़ील की। बाकी इसमें लगे हैं 2 General Electric के CF34 इंजन्स एंड इसमें है टोटल 76 seats, जिसमें से 12 जो है वो बिजनेस क्लास है एंड रेस्ट ऑल आर इकॉनमी। एंड इन्होंने ना पुणे में भी बहुत सारी फ्लाइट्स दी हैं। पुणे एक ऐसी सिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है फिलहाल, अभी इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस क्योंकि IT इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे है, तो वहाँ से शायद हैदराबाद जयपुर अजमेर इन सब की फ़्लाइट्स उन्होंने दी है। वैसे अपना फ़्लाइट नंबर है S5235, तो ये S5 जो है इनका वो कोड है। एंड आज के इस फ्लाइट के लिए मैंने पे किए हैं 5,500 रुपये के आसपास, बिजनेस क्लास का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो वही है। एंड देखते हैं वो वर्थ अपग्रेड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रायोरिटी बैगेज, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बोर्डिंग डिबोर्डिंग मिलेगा एंड साथ ही में कुछ मील्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करेंगे, तो देखते हैं वो कैसा है। चलिए जी और फ्लाइट इज ऑन फाइनल्स। चलिए फाइनली आवर एयरक्राफ्ट इज़ हियर। अभी जो स्टेयर्स लगा रहे हैं, फिर सारे जो पार्किंग के वो हैं वो लगा रहे हैं व्हील स्टॉपर वाले, फिर फ्यूल ट्रक भी आ चुका है तो रिफ्यूलिंग भी यहीं से होगी एंड बैगेज वाला ट्रैक्टर ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है, ये देख लो छोटा सा कुछ तो फ्लाई कर रहा है।
आज हम इस एम्ब्रायर 175 में जलंधर से दिल्ली जाएंगे। ये है बहुत ही एक नया एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट के जो विंगलेट्स है ना वो बहुत कमाल के हैं। A330 के जो विंगलेट्स है ना वैसे ही है मगर और बड़े हैं। सो आई रियली लाइक दिस। अभी जो जो भी पैसेंजर्स आए हैं वो डिसएम्बार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे सनी जी मिले, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड स्टार एयर के स्टाफ है फिलहाल। तो लोग जब ऐसे पहचान पाते हैं ना, काम को अप्रिशिएट करते ना, तब बहुत अच्छा लगता है। फाइनली गाइस, दी बोर्डिंग इज स्टार्टेड। यहाँ पे बेसिकली दो ही रैम्प्स है एंड ये फर्दर फ्यूचर का एप्रन एरिया एंड ये है हमारी फ्लाइट। एंड इस साइड देख लो, आदमपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल कुछ ऐसा है। आज हम फ्लाई कर रहे हैं इस एम्ब्रायर 175 में। इसका जो साइज़ है ना बेसिकली A320 जितना बड़ा भी नहीं है, ATR जितना छोटा भी नहीं है। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो इंटीरियर्स बेसिकली आपको कुछ इस तरह के मिल जाते हैं। ये है इसका बिजनेस क्लास जिसमें आपको 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे और कंफर्टेबल सीट्स लग रहे हैं देख के। यहाँ पे देखिए इकोनॉमी क्लास सीट्स भी कितने अच्छे हैं, कोई मिडिल सीट नहीं है। इसमें जो है आपको बिजनेस क्लास में एक ऐसा पिलो मिल जाता है एंड लेग स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन एनफ आई वुड से। यहाँ पे सीट पॉकेट में एयरलाइन लिटरेचर है। यहाँ पे जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे है वोमिटिंग बैग, यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन कार्ड एंड यहाँ पे है एयरलाइन मैगजीन। कुछ ऐसा दिखता है एम्ब्रायर का कॉकपिट। यहाँ पे फाइनली वी आर डिपार्टिंग जलंधर एयरपोर्ट। राइट नाउ गाइज वी आर फ्लाइंग ओवर करतारपुर, जो कि करतारपुर साहिब जी के लिए बहुत फेमस है। लेफ्ट की ओर आप सिटी देख सकते हैं एंड यहाँ पे वी आर फ्लाइंग ओवर कपूरथला। ऊपर से जो आपको कपूरथला का सिटी दिख रहा होगा। कपूरथला, आई होप कि आप सभी जो रेल फैंस हैं उन्होंने कपूरथला का नाम ज़रूर सुना होगा। इतने सारे कोचेज़ बनाए हैं कपूरथला ने, क्या बताऊँ। वैसे आजकल ICF चेन्नई का नाम ज़्यादा चर्चे में, मगर कपूरथला भी एक ज़माने का राजा था। बाकी सीट ज़्यादा रिक्लाइन तो नहीं होती, मगर सीट्स आर कंफर्टेबल एंड वे मोर बेटर दैन नॉर्मल इकोनॉमी क्लास सीट्स। एंड साथ ही साथ ना सीट्स में ये वाले हैं, मतलब अगर आप सोना वोना चाह रहे हैं इसका सपोर्ट लेके, तो फ़िलहाल इसको ऐसा ही रखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट की ओर है शाहकोट सिटी एंड सतलुज रिवर। सो यहाँ पे दे आर सर्विंग सम लंच। यहाँ पे मेनू में है फ्राइड राइस एंड पनीर मंचूरियन, साथ ही में दे रखा है एक पेस्ट्री एंड यहाँ पे है कटलरी। यहाँ पे जो है आपको स्टील की कटलरी मिल जाएंगी एंड बताता हूँ ये कैसा है। सो लेट मी ट्राई दिस। राइस, पनीर, एवरीथिंग इज सुपर अमेजिंग एंड खाना ना एकदम मतलब पाइपिंग हॉट है। फ्लाइट में सच अ नाइस मील, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट इट। हैट्स ऑफ टू स्टार एयर। यहाँ पे वी आर क्रॉसिंग जिंद ऑफ हरियाणा। आप ऊपर से जिंद शहर को देख ही सकते हैं, काफ़ी बड़ा शहर है ये हरियाणा का। Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed our services today. Our cabin crew will uncover the cabin to collect the items which you wish to discard. Thank you. Yeah, but finally some orange juice. Bahut amazing hospitality hai Star Air ki. In the meantime, we have already started our descent. We are flying at 290 knots and right ki aur cross ke Rohtak. Sunlight aa raha tha isliye focus nahi hua. Please fasten your seatbelt and stow loose items. एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है एंड फिलहाल हम दिल्ली से यूपी साइड जा रहे हैं क्योंकि गाज़ियाबाद जो यूपी में ही पड़ता है।
गाज़ियाबाद के फ्लैट्स देख लो यार, मुझे तो ऊपर से काफ़ी शानदार लग रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स होंगे ये। जो ट्रेन चल रही है ना अभी, नमो भारत, उसका स्टेशन है। सो ये देख लो RRTS का स्टेशन। सो लगभग आफ्टर 50 मिनट ऑफ फ्लाइंग वी आर फाइनली इन गाज़ियाबाद हिंडन। एक डिफेंस एयरपोर्ट है, तो बाहर के जो बेसेज है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, बट बहुत सारे यहाँ पे डिफेंस एयरक्राफ्ट खड़े हैं, इंक्लूडिंग एयर इंडिया के A321 जो उन्होंने DRDO को दे दिए। तो चलिए फिर मैं आपसे डीप्लेन करके मिलता हूँ। एंड ये गाइस देख लीजिए, एम्ब्रायर 175 का वॉशरूम कुछ ऐसा है, जो अमेनिटीज चाहिए होते हैं सारे इसमें है। सो यहाँ पे आई हैव डीप्लेन एंड बाकी जो पैसेंजर्स है ना वो प्लेन में बैठे हैं, जो फिलहाल नांदेड़ जा रहे हैं। नांदेड़ अगर आपको जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट है बेसिकली, हिंडन के ज़्यादा नहीं, हिंडन के ये 7-10 पैसेंजर्स ही हैं। सो फाइनली पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे। ये देख लीजिए हिंडन एयरपोर्ट कुछ ऐसा है। एंड एज प्रॉमिस्ड बैगेज जो है मेरा सबसे पहले आया है प्रायोरिटी पे। यहाँ पे वैसे जस्ट मैंने कैब मंगवाई है, तो 5-7 मिनट में आती ही होगी। यहाँ पे आपको कैब मंगवानी पड़ेगी या फिर खुद का आपका जो ट्रांसपोर्ट है। सो बेसिकली ये फ़्लाइट आपको दिल्ली नांदेड़ होते हुए बैंगलोर ले जाएगी, मतलब आपको फ़्लाइट से निकलना नहीं है, ये बेसिकली ट्रांजिट की तरह ही है। और नांदेड़ में आपको पता ही होगा, खास करके जो पंजाबीज हैं, वहाँ पे है श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा। तो जो लोग भी नांदेड़ जाना चाहते हैं, पंजाब से अब डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो दर्शन वगैरह करने जा रहे हैं, IT के काम से बैंगलोर जा रहे हैं, डेफिनेटली फ़्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली भी हो गया, नांदेड़ भी हो गया, बैंगलोर भी हो गया, तीनों जगह की फ़्लाइट्स अवेल कर दी उन्होंने। जहाँ भी जाना चाहें आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इसकी बुकिंग इनके खुद के वेबसाइट पर होती है स्टार एयर, एंड बाकी प्लेटफॉर्म से भी आई गेस वो हैं। तो स्टार एयर का वेबसाइट चेक करना, यहाँ पे एक बार मैं लिंक दे दूंगा। जो लोग भी श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए फ़्लाइट है। सो फाइनली जो है कैब मिल चुकी है, एंड यहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह एज सच कुछ है नहीं, तो घर से गाड़ी आएगी तो आप वो बुला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो कैब्स हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी आपको टैक्सी वगैरह अंदर में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे दो एयरलाइंस आती हैं, एक है फ्लाईबैग जो कि लुधियाना और बठिंडा जाती है, एंड एक है ये स्टार एयर जो कि बहुत जगह जाती है, यहाँ से अजमेर हो गया, यहाँ से आदमपुर हो गया, फिर नांदेड़ बैंगलोर मैंने बोला ही। मेरे हिसाब से अगर एक फ़्लाइट अभी जलंधर से दिल्ली के T3 में जाती ना तो बहुत बढ़िया होती, क्योंकि जो कनाडा जाने वाले पैसेंजर है वो फ़्लाइट सर्विस लेते हैं, डायरेक्ट ही जलंधर से जो है दिल्ली उतरते, वहाँ पे T3 में ट्रांजिट करते एंड अपना आगे की फ़्लाइट लेके जो आगे चले जाते। बाकी चलो, गाज़ियाबाद के लोगों को भी एक एयरपोर्ट मिल गया, अगर कहीं जाना है तो इन फ्यूचर फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। सो बस कैब लेके पहुंच चुका हूँ यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो राजबाग मेट्रो में। मैं वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करता हूँ, कैब में बैठ के AC की हवा खा के मुझे एटलीस्ट 2 घंटे ट्रैफिक में नहीं निकालने हैं। मैं अभी जा रहा हूँ कश्मीरी गेट साइड ही, क्योंकि नेक्स्ट प्लान सारे वहीं से हैं। गाज़ियाबाद वैसे साफ़ सुथरा बहुत लग रहा है मुझे, जो समझ गए वो समझ गए। एनीवेज थैंक यू स्टार एयर फॉर दी अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे। 50 मिनट की फ़्लाइट में कोई फुल सर्विस कैरियर ही शायद खाना पीना दे, सुपर अमेजिंग फूड। एंड दूसरी बात ये कि वो जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे ही दे रहे हैं। प्लस जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ है वहाँ पे तो विस्तारा, एयर इंडिया ये लोग नज़र भी नहीं मारते। जैसे हमारे कोलकाता में तो विस्तारा ने मतलब काम समेटना चालू कर दिया। आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इस व्लॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, उम्मीद करता हूँ आप ये फ्लाइट सर्विसेज लेंगे। आदमपुर एयरपोर्ट पे भी और फ्लाइट्स आए तो काफ़ी बढ़िया हो जाए। बाकी एम्ब्रायर ना काफ़ी साइलेंट है, सही में इंजन साउंड काफ़ी कम आ रहा था, मेनली जो AC की आवाज़ वगैरह है वो सब ज़्यादा आ रहा था। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी हर मंगल शुक्र आपके साथ।